हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल माई स्टडी में। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले निफ्टी और बैंक निफ्टी के आने वाले टाइम फ्रेम पर, यानी मंडे को उसके मूव्स को हम लोग यहाँ पर प्रेडिक्ट करने वाले। तो क्या लगता है आपको, बताइए। लगातार 2-3 सेशन से हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है डाउन चलता जा रहा है, और लास्ट सेशन थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बाउंस पर देखे थे। सेंटीमेंट्स क्या कहता है, सेंटीमेंट्स कहता है कि अभी जैसे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर का सिचुएशन शुरू होने वाला है, लेकिन जो बोला जाए तो एक माहौल बन गया है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर हमको दिख रहा है। जो भी शुरू हुआ था यूक्रेन और रशिया के छोटे से वार से, धीरे धीरे सारे कंट्रीज शामिल होना शुरू हो रहा है, तो एक माहौल बन गया है, फिर डर सब हो गया कि यहाँ पे ये थर्ड वर्ल्ड वार का एक शुरुआत होने जा रहा है। और इस चीज़ का इफेक्ट मार्केट में भी अब जाके हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि अगर वॉलीटिलिटी जो है धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहा है मार्केट में। और भी ढेर सारे फैक्टर्स हैं जिनके कारण मार्केट इफेक्ट हो रहा है, एक एक करके सारे फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अगर हम देखें तो अक्टूबर के बाद अब जो नवंबर मंथ जो आएगा, और नवंबर मंथ जो FII इन्वेस्टर है उनके लिए बुकिंग का सीज़न होता है, यानी कि प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, इसलिए करना चाहते हैं कि उनका जो मनी वाइप आउट जो होता है वो क्रिसमस के लिए वो बचा के रखते हैं, क्रिसमस में स्पेंड करने के लिए, वहाँ क्रिसमस के वो अच्छा से सेलिब्रेट करने के लिए, बहुत ही बड़ा वहाँ पे फेस्टिवल है क्रिसमस यूएस में, तो उस चीज़ को अच्छे से सेलिब्रेट करने के लिए बहुत ज़्यादा वाइप आउट देखने को मिलता है मार्केट में। तो FII जो कि इंडिया में भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, तो इसके लिए हमें मार्केट इस वजह से भी हमें मार्केट में थोड़ा सा डाउनफ्लो दिख सकता है। ऊपर से यहाँ पे वार का सिचुएशन, यहाँ पे वाइप आउट, और प्लस एक और रीजन भी हम लोग यहाँ जोड़ सकते हैं। जैसे इलेक्शन से पहले मनी वाइप आउट हर सेशन में देखने को मिलता है कि पैसा मार्केट से निकालो, पैसे को वो इलेक्शन के लिए प्रचार प्रसार के लिए यूज़ करो, और उस समय भी हमारे पास देखने को मिलता है कि मार्केट थोड़ा सा लूज हो गया है, थोड़ा सा डाउन चल रहा है। तो कुछ कुछ सेंटीमेंट्स यही सब फैक्टर्स को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए आता है टेक्निकल एनालिसिस पे। या वनडे का टाइम फ्रेम है, वनडे का टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे 3 सेशन लगातार हमारा नीचे मार्केट डाउन हुआ है, और एक यहाँ से स्मॉल करेक्शन का शुरुआत हुआ है। पहले क्या था, यहाँ से यहाँ पूरा हमारा जो अपट्रेंड था वो अपट्रेंड धीरे धीरे एक स्मॉल करेक्शन यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला। अब इससे आगे क्या हो सकता है, किधर मार्केट मूव हो सकता है, ये हम लोग आगे जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस बात कर ले, तो नियर बाय सपोर्ट हमारे पास 18,800 है, बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है। यहीं इसी के आसपास से देखिए लास्ट सेशन में यहाँ पे बाउंस बैक भी देखने को मिला, ये जो 18,800 का जो सपोर्ट है, और 18,800 से 18,600 का जो ये रीजन है, ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। इस सपोर्ट लेवल को अगर मार्केट नहीं ब्रीच कर पाता, चाहे जितना भी सेंटीमेंट्स नेगेटिव हो, चाहे जितना भी सिचुएशन खराब हो जाए, अगर इस सपोर्ट को मार्केट नहीं ब्रीच करता, मतलब कि अभी भी बायर्स और सेलर्स इंटरेस्टेड हैं मार्केट में और मार्केट में बने रहना चाहते हैं। जब भी मार्केट में बायर्स और सेलर्स बने रहेंगे तब मूवमेंट भले ऊपर की ओर ना जाए, लेकिन मार्केट गिरे रहेंगे, क्योंकि यहाँ इन्वेस्टर जो है वहाँ पर अपना पैसा अभी भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि मार्केट ही है जो हमें प्रॉफिट अच्छा हम लोग रिजल्ट दे सकता है। तो इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बड़े इन्वेस्टर हैं, जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, वो इन अपॉर्चुनिटीज़ का यूज़ करते हैं। जैसे सेंटीमेंट्स जो है अगर नेगेटिव बना हुआ है, तो वो उन नेगेटिव सेंटीमेंट्स का यूज़ करके पोजीशन ढूंढने का कोशिश करते हैं, बेस्ट पोजीशन, जो कि कैलकुलेटेड रिस्क जिसको बोलते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क जो एक बेस्ट पोजीशन होता है लॉन्ग टर्म लॉन्ग पोजीशन के लिए, और उनका यूज़ करते हैं। वो अच्छा खासा वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो बेस्ट स्मार्ट इन्वेस्टर जो होते हैं वो इस तरीके का चांस लेते हैं, रिस्क लेते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। और बाकी जो न्यू ट्रेडर्स हैं या फिर जो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स है हमारे जैसे, तो हम क्या करते हैं, जिस तरीके का फ्लो है फ्लो का यूज़ करते हैं, जिधर ट्रेंड है ट्रेंड का यूज़ करते हैं, ट्रेंड में जाके हम लोग ट्रेड लेते हैं। क्योंकि ट्रेंड के अपोजिट पोजीशन लेने का सिचुएशन बड़े इन्वेस्टर लोग होता है, रिटेल इन्वेस्टर का जो इन्वेस्टमेंट होता है थोड़ा लो लेवल पे होता है, अमाउंट कम होता है, इसलिए हम लोग ट्रेंड का यूज़ करते हैं। जिधर बहाव है, जिधर फ्लो है, उस फ्लो का यूज़ करते हैं, और उसमें से हम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा उसमें से हम लोग प्रॉफिट बुक कर सकें। तो यहाँ हमें साफ दिख रहा है कि छोटा सा करेक्शन निफ्टी 50 में आ गया है, और इसके बाद अगर नीचे का मूव हमें देखें, अगर इस 18,800 को ब्रीच करता है, तो इसके बाद हम लोग लास्ट जो सपोर्ट है एकदम 72 से 72 कंडीशन, यानी वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन अगर किसी चीज़ का होता है, तो हम लोग 17,000 तक का डाउन साइड का मूव यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। 17,000 से भी ज़्यादा अगर मूव हो गया मार्केट, तो इसको वापस रिकवर होने में बहुत टाइम लग जाएगा। अगर वापस रिकवर होने में बहुत टाइम लगेगा, इन द सेंस कि 2-3 साल वापस रिकवर होने में लगता है, लेकिन मार्केट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इट्स ऑल अनप्रिडिक्टेड अबाउट द पोजीशन एंड प्राइस मूवमेंट ऑफ दिस चार्ट्स। तो हम लोग एक प्रिडिक्ट अनुमान कर सकते हैं कि हमारा जो मूवमेंट है वो कैसा रहेगा। तो यहाँ से हम लोग एक देखते हैं, ड्रॉ करते हैं कि किस तरीके का मूवमेंट आगे की ओर हम लोग चल सकते हैं। तो अगर हमें देखा जाए तो आगे बढ़ेंगे और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए आता है टेक्निकल एनालिसिस पे। या वनडे का टाइम फ्रेम है, वनडे का टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे 3 सेशन लगातार हमारा नीचे मार्केट डाउन हुआ है, और एक यहाँ से स्मॉल करेक्शन का शुरुआत हुआ है। पहले क्या था, यहाँ से यहाँ पूरा हमारा जो अपट्रेंड था वो अपट्रेंड धीरे धीरे एक स्मॉल करेक्शन यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला। अब इससे आगे क्या हो सकता है, किधर मार्केट मूव हो सकता है, ये हम लोग आगे जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस बात कर ले, तो नियर बाय सपोर्ट हमारे पास 18,800 है, बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है। यहीं इसी के आसपास से देखिए लास्ट सेशन में यहाँ पे बाउंस बैक भी देखने को मिला, ये जो 18,800 का जो सपोर्ट है, और 18,800 से 18,600 का जो ये रीजन है, ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। इस सपोर्ट लेवल को अगर मार्केट नहीं ब्रीच कर पाता, चाहे जितना भी सेंटीमेंट्स नेगेटिव हो, चाहे जितना भी सिचुएशन खराब हो जाए, अगर इस सपोर्ट को मार्केट नहीं ब्रीच करता, मतलब कि अभी भी बायर्स और सेलर्स इंटरेस्टेड हैं मार्केट में और मार्केट में बने रहना चाहते हैं, और जब भी मार्केट में बायर्स और सेलर्स बने रहेंगे, तब मूवमेंट भले ऊपर की ओर ना जाए, लेकिन मार्केट गिरे रहेंगे, क्योंकि यहाँ इन्वेस्टर जो है वहाँ पर अपना पैसा अभी भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि मार्केट ही है जो हमें प्रॉफिट और अच्छा हम लोग रिजल्ट दे सकता है। तो इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बड़े इन्वेस्टर हैं, जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, वो इन अपॉर्चुनिटीज़ का यूज़ करते हैं। जैसे सेंटीमेंट्स जो है
अगर नेगेटिव बना हुआ है तो वो उन नेगेटिव सेंटीमेंट्स का यूज़ करके पोजीशन ढूंढने का कोशिश करते हैं, बेस्ट पोजीशन जो कि कैलकुलेटेड रिस्क जिसको बोलते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क जो बेस्ट पोजीशन होता है लॉन्ग टर्म लॉन्ग पोजीशन के लिए, और उनका यूज़ करते हैं, वो अच्छा खासा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो बेस्ट स्मार्ट इन्वेस्टर जो होते हैं वो इस तरीके का चांस लेते हैं, रिस्क लेते हैं कैलकुलेटेड रिस्क का। और बाकी जो न्यू ट्रेडर्स हैं या फिर जो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स हैं हमारे जैसे, तो हम क्या करते हैं जिस तरीके का फ्लो है फ्लो का यूज़ करते हैं, जिधर ट्रेंड है ट्रेंड का यूज़ करते हैं, ट्रेंड में जाके हम लोग ट्रेड लेते हैं। क्योंकि ट्रेंड के अपोजिट पोजीशन लेने का सिचुएशन बड़े इन्वेस्टर लोग होता है, रिटेल इन्वेस्टर का जो इन्वेस्टमेंट होता है थोड़ा लो लेवल पे होता है, थोड़ा अमाउंट कम होता है, इसलिए हम लोग ट्रेंड का यूज़ करते हैं, जिधर बहाव है जिधर फ्लो है उस फ्लो का यूज़ करते हैं, और उसमें से हम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा उसमें से हम लोग प्रॉफिट बुक कर सकें। तो यहाँ हमें साफ दिख रहा है कि छोटा सा करेक्शन निफ्टी 50 में आ गया है, और इसके बाद अगर नीचे का मूव हमें देखें, अगर इस 18,800 को ब्रीच करता है तो इसके बाद हम लोग लास्ट जो सपोर्ट है एकदम 70-70 कंडीशन यानी वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन अगर किसी चीज़ का होता है तो हम लोग 17,000 तक का डाउन साइड का मूव यहाँ पर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। 17,000 से भी ज़्यादा अगर मूव हो गया मार्केट तो इसको वापस रिकवर होने में बहुत टाइम लग जाएगा, अगर वापस रिकवर होने में बहुत टाइम लगेगा, इन द सेंस कि 2-3 साल वापस रिकवर होने में लगता है, लेकिन मार्केट है कभी भी कुछ भी हो सकता है, इट्स ऑल अनप्रिडिक्टेड अबाउट द पोजीशन एंड प्राइस मूवमेंट ऑफ दिस चार्ट्स। तो हम लोग एक प्रिडिक्ट अनुमान कर सकते हैं कि हमारा जो मूवमेंट है वो कैसा रहेगा। तो यहाँ से हम लोग एक देखते हैं ड्रॉ करते हैं कि किस तरीके का मूवमेंट आगे की ओर हम लोग चल सकते हैं। तो अगर हमें देखा जाए तो मूवमेंट प्राइस मूवमेंट हम पहले से ड्रॉ करके रखे हैं, उसको हम लोग निकालते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सके कि ये जो मूवमेंट है किस तरीके का होने वाला है। हाँ ये देखिए, हाँ इस चीज़ को समझिए, ये जो डाउन मूवमेंट है देखिए 18,800 तक का डाउन मूवमेंट आराम से हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो प्रिडिक्टेड मूवमेंट है हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, प्रिडिक्टेड मूवमेंट है 18,800 के आसपास दो बार तीन बार उसको सपोर्ट को चेक कर रही है, चेक करने के बाद एक बार ब्रीज भी कर चुकी है, फिर वापस से फिर डाउन ट्रेंड की ओर उसको अगर डाउन ट्रेंड होगा तो कुछ इसी तरीके का हमें दिखेगा, एक्जैक्ट सेम होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, पर प्रोबेबिलिटी यही कहता है कि जब भी हमें एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है तो सपोर्ट को हमारा मार्केट जो है दो बार तीन बार चेक करता है, चेक करने के बाद अगर सेंटीमेंट्स और ट्रेंड जो है वो डाउन का हर होता है तो हम डाउन साइड की ओर उसका मूवमेंट देखते हैं। और इसके बाद भी अगर अपसाइड हम देखना चाहें तो अपसाइड का मूव हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं, अपसाइड का मूव ये डाउन वाला हम अगर हाइड कर दें, अपसाइड का मूवमेंट भी इस तरीके का देख सकते हैं कि 18,800 के आसपास से वापस से यहाँ पे आके उसको रेस्पेक्ट करते हुए ट्रेंड जो हमारा जो अप ट्रेंड था निफ्टी का उसको बरकरार रखते हुए मेंटेन करते हुए आगे की ओर, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है जो सेंटीमेंट से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी उसमें भरा हुआ है, क्योंकि न्यूज़ भी हमेशा सारे नेगेटिव न्यूज़ आ रहे हैं, तो उसके कारण मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है, भले अप ट्रेंड में ना जाए सेम ट्रेंड में ना जाए पर मार्केट कंसोलिडेट फिर यहाँ पे बन सकता है। सिचुएशन ऐसे बन रहे हैं कि या तो मार्केट कंसोलिडेट करेंगे या तो एक डाउन फेज यहाँ पे शुरू होगा, एक करेक्शन फेज शुरू होगा जो कि 18,000 तक हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम पे, यानी 2023 खत्म हो जाएगा। वेट करेंगे तो प्रीमियम भी डीके होगा, फिटा डीके काम करेगा और उसके बाद फिर देखिए और नीचे की ओर चलाएंगे तो ऐसे ही काम करता है। आपको RSI पे पूरी तरह से भरोसा करना सही नहीं है, RSI के अलावा भी और भी इंडिकेटर्स उनका भी यूज़ करें। आते 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे क्या सिचुएशन है, किस तरीके का बिहेवियर है। तो छोटे टाइम फ्रेम में तो हमें यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि एक बाउंस बैक हुआ था, ये बाउंस बैक देखने को मिला था, और इस बाउंस बैक के बाद अब आगे का प्रेडिक्शन प्रेडिक्टिव मूव क्या हो सकता है, या तो नीचे की ओर 18,900 के आसपास 800 के आसपास वापस से वो जो सपोर्ट है हमारा 18,800 के आसपास उसको वापस से टच करके रिस्पेक्ट करने के लिए जाएगा, या फिर यहाँ से डायरेक्ट अप मूव देगा और अप मूव यहाँ से 19,200 आसपास नेक्स्ट लेवल पर ट्रिक करेगा और वापस रिटर्न हो जाएगा अप ट्रेंड को फॉलो करने के लिए। तो इतना ही है इस वीडियो में, और ये तो हो गया निफ्टी का बात, आगे हम लोग निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट लगभग सेम ही है, आपको देखने को मिल रहा होगा बैंक निफ्टी के चार्ट पे कि यहाँ पे आते हैं मंथली के टाइम फ्रेम से देखेंगे, मंथली के टाइम फ्रेम से ज़्यादा अच्छा पता चलेगा निफ्टी के टाइम फ्रेम। यहाँ मंथली के टाइम फ्रेम पे आपको शो हो रहा है कि ट्रेंड तो पूरा का पूरा ट्रेंड ही है, आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा ट्रेंड जो है ट्रेंड ही है, और ज़्यादा छोटा करेक्शन हमें अभी तक मिला नहीं है, क्योंकि देखिए इससे पहले वाले टाइम पे देखिए कितना बड़ा करेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, इतना इतना ज़्यादा करेक्शन हमको देखने को मिलता है बैंक निफ्टी में। तो ये जो करेक्शन है 2-3 दिन का सेशन है, ये बहुत ही बड़ा करेक्शन है, मंथली पर नहीं चल सकता। तो सिंपल अपना नहीं है तो छोटा छोटा करके मूव्स हमको देखने को मिलेंगे, और अगर सेंटीमेंट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइड है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को दर्शा रहा है तो हमको थोड़े बड़े बड़े करेक्शन भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये नॉर्मल है, मार्केट में ऐसा होता रहता है, तो आपको उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली अपना जजमेंट लेना है और अकॉर्डिंगली थोड़ा सा उसको नॉलेज गेन करना है, प्रैक्टिस करना है, और आराम से इसमें आप ले सकते हैं। ये जो हमारा इसको हाइड कर देते हैं क्योंकि ये टाइम फ्रेम पर ये अभी साफ हो गया। तो यहाँ से हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम पे क्या मूवमेंट हो सकता है। तो वीकली चार्ट में हम ये देख रहे हैं कि मेरा जो सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल यहाँ से हमको दिख रहा है, ये जो पॉइंट है हमारा सपोर्ट लेवल, सपोर्ट लेवल के नीचे यहाँ पे मैं बैंक बंद हुआ, बैंक निफ्टी यहाँ पे क्लोज हुआ सपोर्ट लेवल के नीचे, तो इसके नीचे एक और सपोर्ट लेवल हमको देखने को मिला, ये बन जो है ये जो सपोर्ट लेवल है ये भी सपोर्ट लेवल की तरफ ट्रीट कर रहा है। तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल हमारे पास 14,700 के आसपास का है, 14,700 को अगर रीच करती है तो इसके बाद हम एक जोन जो है एक जोन यहाँ से देखेंगे कि ये जो जोन है बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट का काम करेगा 13,600, जो कि अगर डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है तब जो कि ये इस रीजन पे आएगा, अगर डाउन ट्रेंड नहीं शुरू हुआ है अप ट्रेंड में ही अगर फॉलो होगा तो इस पॉइंट तक वो आएगा भी नहीं, ये कंफर्म है कि हमारे पास जो ये लोअर लो का जो चल रहा है ट्रेंड वो कंटिन्यू रहेगा, लोअर लो का इन द सेंस कि हम देख रहे हैं कि ऐसे समझेंगे इसको
जो है एक लो बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक लो बनाया, तो जो जो मिस्टेक हो गया मेरे से, लोअर लो हो गया, ये हायर लो इसको बोलते हैं, हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो, तो हायर लो का जो ट्रेंड बना चला रहा है, इन ट्रेंड को ये फॉलो कर रहा है, तो आगे भी हायर लो ही बनाता है, तो हम बोलेंगे कि ट्रेंड ठीक है, ट्रेंड आगे की ओर बढ़िया है, आगे चल रहा है, बढ़िया है। और नहीं तो हायर लो को अगर तोड़ता है तो हमारे पास सपोर्ट, अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है, तो ग्रीन जो हमारा जो है वो हायर लो को मेंटेन कर रहा है, तो हम उस पॉइंट पे सजेस्ट करेंगे कि हायर लो को मेंटेन करते हुए जो ग्रीन सपोर्ट है उस सपोर्ट को रेस्पेक्ट करते हुए वापस से अप ट्रेंड की ओर चला जाएगा। लेकिन अगर उसको ब्रीच करता है, जो कि हायर लो का जो मेरा ट्रेंड है उसको अगर फॉलो नहीं करता है, उसको ब्रीच करता है, जो कि देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो सेंटीमेंट्स है बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, तो नेक्स्ट लेवल हमारा नीचे का लेवल जो है 13,600 से 13,200 का जो लेवल है, इस लेवल पर आके कॉन्सेंट्रेशन फेज पर भी आ सकता है, क्योंकि उस लेवल पर बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप देखें आने प्रीवियस हिस्टोरिकल डाटा से आप देखेंगे कि हिस्टोरिकल डाटा से उस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हुआ है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट इस एक्शन वहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। हर ऐसा भी इस पॉइंट को देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पे कटिंग शो कर रहा है, एक बार ब्रीच किया, दो बार ब्रीच किया, मतलब कितनी बार, ज़्यादा 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार उसी पॉइंट पे, उसी लाइन पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे ब्रीच किया, तो यहाँ पे देखने इसका मतलब ये है कि वो उस पॉइंट पे, उस प्राइस एक्शन पे, उस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली बायर और ट्रेडर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुए हैं, इसलिए उस पॉइंट पे इस तरीके का यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिला है। तो यहाँ पे अभी के टाइम पे तो सेंटीमेंट नेगेटिव है, वीकली के टाइम में डे फ्रेम में देखें तो वनडे के टाइम पे में भी, वनडे के टाइम पे में भी कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा है, RSI डाउन ही है और ऊपर की ओर एक बाउंस बैक यहाँ पे दिखा, बाउंस बैक दिखा, गैप अप ओपन हुआ, गैप अप होने के बाद 15 मिनट का चार्ट में देखा, 15 मिनट का चार्ट में भी अभी तो फिलहाल RSI के अकॉर्डिंगली नीचे ही है, सब कुछ सही है, मतलब कि अभी कट नहीं किया है तो, और ऊपर की ओर ये मूवमेंट दिखा सकता है सर, अगर कट कर देता है और 14,300 जो हम लोग जो लेवल डिसाइड किया, 14,700 के आसपास, 14,700 के आसपास का मूवमेंट आने वाले दिन में वन वीक के अंदर या फिर टू वीक के अंदर पोजीशन तक वो शो हो सकता है। अभी छोटे टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो मंडे को अब आते हैं, बात करते हैं मंडे का मूवमेंट ऐसा होगा, तो मंडे मूवमेंट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मंडे मूवमेंट के लिए 15 मंडे के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे देख सकते हैं इस पॉइंट पे, यहाँ देखिए बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि यहाँ से इस पॉइंट से लेकर ये हमारा इस लेवल तक का मूवमेंट हमारा मंडे को रह सकता है, यानी कि 43,524 के आसपास से लेकर 42,900 के आसपास का मूवमेंट यहाँ पे मंडे को रह सकता है, यही अपसाइड रहेगा, या फिर अगर गैप अप होता है तो कंसोलिडेट करके या फिर इन सपोर्ट लेवल को टच करके वापस नीचे की ओर भी आ सकता है, क्योंकि हमारा जो सपोर्ट लेवल है 14,200 का, वो 42,000 का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट है, ये सपोर्ट छोटे टाइम पे, छोटे टाइम पे हम यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सपोर्ट लेवल है 42,000 का। तो सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक देंगे डायग्राम के साथ समझाते हैं कि अगर ये जो लाइन है हमारा, ये जो लाइन है हमारा, इस लाइन को अगर ब्रीच करता है ऊपर की ओर, ऊपर की ओर ब्रीच करता है, तो हम यहाँ पे इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिलेगा मंडे को, अगर इस लाइन को रेस्पेक्ट करते हुए ब्रीच नहीं कर पाता तो हम डाउन ट्रेंड यानी नीचे की ओर का मूवमेंट हम लोग देखेंगे 42,400 तक के आसपास का मूवमेंट देखेंगे। तो ये रहा हमारा मंडे का मूवमेंट, मंडे का मूवमेंट में हम लोग दो तीन लेवल यहाँ पे डिसाइड कर देते हैं मंडे को क्या क्या हो सकता है। एक लेवल डिसाइडेड हो गया 43,524 के आसपास का लेवल तक ये मूवमेंट दे सकता है, इसी तरीके से निफ्टी का भी हम लोग मूवमेंट देख सकते हैं, ये बैंक निफ्टी का तो हो गया, निफ्टी का देखें, निफ्टी का मूवमेंट यहाँ साफ पता चल रहा है कि इस पॉइंट से, इस पॉइंट से अगर ऊपर अगर ओपनिंग होता है तो इस पॉइंट से ऊपर ओपनिंग होने पे हम यहाँ पे यहाँ तक का मूवमेंट देख सकते हैं, ये मूवमेंट हम कैप्चर कर सकते हैं अगर इसे ऊपर ओपन होता, अगर इसे ऊपर ऊपर केवल ओपन नहीं होता तो हम इसके नीचे इस तरीके का मूवमेंट प्रेडिक्ट करेंगे, यहाँ से अगर इसको टच करते वापस डाउन नीचे की ओर, इस तरीके का मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही, लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, सबका ख्याल।